प्रभु बही जाई बोली बचन बहुत मुसिकाई। अब मेरे जो रूप लेके आ गई हूँ, अभी मुझसे बस से विवाह करेंगे, चलना चाहिए इनके पास और विवाह का प्रस्ताव रखना चाहिए। ए बनवासी राजकुमार, जरा मेरे पास आओ। कहो देवी। तुम्हें सम्मान करना नहीं आता, आगे श्री लगा देती मेरा सम्मान हो जाता। अभी श्री लग नहीं पाई है महाराज, लगा दीजिए एक बार। श्री देवी जी। हाय मेरे धर्मेंद्र। बनवासी राजकुमार, मैंने तुम्हें यहाँ पर पहली बार देखा है, मैं तुम्हारा परिचय लेना चाहती हूँ। तुम कौन हो, कहाँ के हो और पंचवटी पे क्या कर रही हो? लो देवी, हम अयोध्या से आए हैं। श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। हमारा नाम राम है। राम? हाँ देवी। हाय मेरे दिल को मिल गया आराम। देवी आप कहाँ से आई हैं? आपका क्या नाम है और आप हमारे पास क्यों आई हैं? बनवासी राजकुमार, चार बीच छह सास अठारह प्राव का गया था, जिसकी सोने की लंका और तीनों लोगों में बचता जिसका डंका दशानन रावण, उन्हीं की बहन रूपनखा मेरा नाम है। बनवासी राजकुमार, मैं कुछ आशय लेके आई हूँ। कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ कहिए कहिए श्री देवी जी, क्या कहना चाहती? तुम्हें सामे पुरुषे नमो सेमिनारी राजकुमार। इस संसार में तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, ना हमारे समान कोई स्त्री है। विधाता ने हम एक दूसरे के लिए बनाया है। बनवासी राजकुमार, मैंने तीनों लोकों में खोजा है, तुम्हारे समान कोई नहीं है। हे बनवासी राजकुमार, मानो हम दोनों का स्रोत विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर रखा है। तुमको आज्ञा आज्ञा नहीं दे रही हूं, मैं तुमसे विनती
करती हूँ मुझसे विवाह करना चाहती हूँ। देवी कहिए, आप हमारे पास विवाह कराने के लिए आई हैं? हाँ, परंतु आपकी एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? आप कह रही तो संपुरुष नमो समनारी, और एक तरफ कह रही कि ताती अब लग रही कुमारी। देवी यह बात हमारे समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा कुमारी। अवश्य देवी, जो बात कही तूने, हाँ, की रखी कुआरी है, मैं समझ नहीं पाया। क्या? तू कैसी नारी है, तू झूठ बोलती है। रवि ने बनाया तुझे मेरे लिए। देवी आप हमारे पास विवाह कराने के लिए आई हैं? हाँ, परंतु देवी हमारा तो विवाह हो चुका है। हो चुका है। अवश्य देवी। हमें कुआरे डकी, हाँ, विवाहित तो है, समझते हैं।
सखी क्यों हमारी पुरुष है ये यार धरी राजकुमार। इसलिए हमारा विवाह हो चुका है, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते, दूसरा विवाह कर लो। नहीं देवी, मंडवासी जी कहना है। और आप हैं भाई शैलेंद्र महाराज, आपकी ओर से 21 मुद्राएं राम जी और सुंदरी जी के लिए। नृपेंद्र ठेकेदार रेहुटा से और सतेंद्र राजपूत जी ऊपर बकरी से 21 मुद्राएं आप लोगों की ओर से भी धन्यवाद। हे वनवासी राजकुमार, कहना है तुमसे। कहिए देवी। एक ही बना कर दो टुकड़े किए, रवि ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, कभी नहीं बनाया मुझे तेरे लिए, तुझे मेरे लिए। बस मांग भर दो, हो गया विवाह। नहीं देवी, भैया से गपुन कहे दे हो, क्या भैया से गपुन कहे दे हो, भैया से गपुन कह दे करे कहीं तेरी शादी, तेरे संग ब्याह रचाऊं होगी बर्बादी, तेरे संग ब्याह रचाऊं
होगी बर्बादी। हम तो दिल दे चुके हो, हम तो दिल दे चुके, बस तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा पाया जिंदगी के सफर में बस गई वो ही हो मेरी हर एक नजर में। अजब सी मोड़ लाया जिंदगी के सफर में बस गया तू ही सिया का साथ पाया जिंदगी के सफर में बस गई ओ ही ओ मेरी हर एक नजर में। अगर तुम चाहती हो बनना भी चाहती है हाँ हाँ तो हमारी दादी बन जाइए, पत्नी बना लो, दासी बना लो, बात बराबर है। बहन बन जाओ, नहीं बहन नहीं बनो, अम्मा बन जाओ। हट हट भाई, अगर तुम चाहती हो तेरे संग ब्याह रचाऊंगी बर्बादी। तेरे संग ब्याह रचाऊंगी बर्बादी। Okay.
तेरे संग तेरे संग तेरे संग ब्याह रचा। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं भाई श्री निर्वेंद्र ठेकेदार जी निहुटा से और सतेंद्र भैया ऊपर बखरी बालों की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी और सुंदरी जी के लिए। और आप हैं श्री जयहिंद भैया, जयहिंद जी पंचर बालों की ओर से ये स्पेशल व्यासपीठ हमारे तबला वादक जी और पैड वादक जी के लिए 100 पुष्प मुद्राएं श्री जयहिंद पंचर बालों की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बनवासी जी कहिए देवी। बनवासी राजकुमार विवाह कर लो, सताओ नहीं। नहीं देवी, मैंने भी अपना दिल ये, मैंने ये दिल तुम्हारे नाम कर दिया। मैंने भी अपना दिल ये जा तेरे नाम कर दिया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान कर दिया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान कर दिया। कही प्रभु बाता आहि कुमार मोर लघु भ्राता। देवी जी कहिए। हमारा तो विवाह हो चुका है, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते, कहो तो एक उपाय बता सकते हैं। उपाय? अवश्य देवी बताइए। यहाँ से कुछ दूर पर हमारे भैया लक्ष्मण बैठे हैं, तुम उनके पास चली जाओ, वह शायद तुमसे विवाह कर ले। वो विवाह कर लेंगे शायद। बनवासी जी कहिए देवी। वो विवाह कर लेंगे तो रिश्ते में मैं तुम्हारी कौन लगूंगी? बहू लगोगी। और रिश्ते में तुम मेरे कौन लगोगे? वो जेठ हो जाएंगे। तो एक महीना जेठ का भी आता है ब्याज, ध्यान रखना। क्यों नहीं, आप तो रक्ष संस्कृत की पली हुई बालिका है, आपके लिए जायज है। ठीक है, चलना चाहिए उनके पास। ए हवा रुक जा, मैं भी तुम्हारे संग संग चलूंगी।
ये हवा दौड़ती हुई जा रही है, मैं भी तुम्हारी संग संग चलती हूँ। अरे उड़ती पवन के संग चलूंगी मैं भी तिहारे संग चलूंगी, ये रुकी जा ए हवा थमी जा। अरे वो तो काला कलूटा था, ये दिख रहा बिल्कुल लाल टमाटर की तरह, इन्हें बुलाना चाहिए। और आप हैं श्री निर्वेंद्र ठेकेदार जी रोहटा से और सत्येंद्र भैया ऊपर बकरी बालों की ओर से 21 मुद्राएं श्री राम जी और सुंदरी जी के लिए, धन्यवाद। और इसे अपने विवाह का प्रस्ताव रखना चाहिए। ए बनवासी राजकुमार, तुम्हें बुला रही हूं, बोलती भी हो। हे बनवासी जी, ए बनवासी राजकुमार, इनकी नजर मुझे घायल कर रही है, बनवासी जी एक बार यहां निहार लो मेरे रस की कमल, तूने पहली नजर मेरे रस की कमल, तूने पहली नजर जब नजर से मिला जी।
वनवासी राजकुमार, हाँ तुम्हें बुला रही हूँ। और आप हैं श्री निर्वेंद्र ठेकेदार जी रिहोटा से और सतेंद्र भैया ऊपर बखरी वालों की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं सुंदरी जी और लक्ष्मण जी के चरणों में। और आप हैं श्री जयहिंद जी पंचर वाले, जयहिंद भैया पंचर वालों की ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी और सुंदरी जी के लिए। और श्री पन्नालाल मुखिया जी, श्री पन्नालाल मुखिया जी आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। और पुनः श्री निर्वेंद्र ठेकेदार रिहोटा से और सतेंद्र भैया ऊपर बखरी वालों की ओर से ऊपर वालों के चरणों में 21 मुद्राएं। धन्यवाद। क्या देवी, हम इसे आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ हाँ, तुम इसे कहना चाहती हूँ। हे देवी, हाँ हाँ, आप हमसे कुछ कहना चाहती हैं, परंतु उससे पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या? आप कौन हैं? कहाँ से आई हैं? और इस दंडक वन में अकेले घूमने का कारण क्या है? वनवासी राजकुमार, मैं लंका से आई हूँ। मेरे भाई का नाम रावण, उन्हीं की बहन स्वरूपा मेरा नाम है। वनवासी राजकुमार, वो तुम्हारे भैया है ना? बस उन्हीं ने मुझे भेजा है। कहाँ है? वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको हमारे पास किस लिए भेजा है। उनने कहा मेरा छोटा भाई है, उनके पास चले जाओ, वो तुमसे विवाह कर लेंगे। विवाह कर लेंगे? हाँ। तुम्हें दौड़ती हुई चली आई। इसी तरह कहा है? हाँ यही कहा। अच्छा, तो तुम और कुछ कहना चाहती हो? हाँ वनवासी जी, कहना है लक्ष्मण जी मुझको देख देख रही हूँ। जब से तुम्हारे पास आई बस मनी मने मुस्कुरा रही हूँ। लक्ष्मण जी मुझको देख दे, क्यों मंद मंद तुम हंसते हो? बेतो ही ब्याह ये, किंतु तुम क्वारे में दिखते हो। बना बनो मैं बनी बनू, ये जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं।
चाहती हो वनवासी राजकुमार? नहीं देवी, आप हमसे विवाह कराना चाहती हैं, परंतु हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सुंदर सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोड़ सुपासा। प्रभु समरत कौशल पुरी राजा जो कुछ करें उन्हें सब साझा, वो जो भी करते हैं उन्हें सब अच्छा लगता है। इसलिए देवी मैं तो यह चाहता हूँ कि आप पुनः हमारे भैया के पास जाएं। वनवासी राजकुमार मान जाओ। नहीं, हमने एक बार कह दिया तो कह दिया। तुम विवाह नहीं करोगे? नहीं। वनवासी जी, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आई हूँ। क्या क्या छोड़ा? तुम विवाह नहीं करोगे मुझसे? मैं तो छोड़ आई लंका तारा, ये लच्छी मन तेरे सब कुछ छोड़ दिया है। हाँ। परंतु अभी आपने कहा कि कुछ समय पहले मैं आपके भैया जी के पास गई थी। हाँ। उनके लिए क्या क्या छोड़ा है? उनके लिए सब कुछ छोड़ के आई हूँ। हे देवी। हाँ। मैं यह चाहता हूँ कि हमारे साथ रहने में आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। आप हैं भाई श्री सोनू लंबरदार। श्री सोनू लंबरदार, आपकी ओर से 200 रुपए हमारी कमेटी के लिए प्रदान हुई हैं। और श्री सुभाष राजपूत जी, 500 रुपए आपकी ओर से हमारी रामलीला कमेटी के लिए। और आप हैं श्री जयहिंद पंचर बालों के लिए, श्री जयहिंद पंचर बालों की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं सुंदरी और लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। देवी। हाँ। आप हमारे साथ विवाह करने के लिए कह रही हैं, परंतु हमारे साथ आपको कोई भी सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैं तो यह चाहता हूं कि आप हमारे भैया जी के पास जाएं, शायद आपका विवाह वहां पर हो जाए। और भाई निर्मेंद्र ठेकेदार और सत्येंद्र भैया ऊपर बखरी वालों की ओर से भी 20 मुद्राएं समर्पित हैं।
बहुत बहुत साधुवाद। और भाई समर कुशवाहा जी 20 मुद्राएं आपकी ओर से भी, लक्ष्मण जी और सुंदरी जी के लिए साधुवाद। ठीक है, आपकी बात मानकर एक बार फिर उन्हीं के पास जाती हूँ। पुनि फिरी राम निकट सो आई, बनवासी राजकुमार। क्या हुआ देवी, विवाह हो गया? हो गया, अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ? वो कह रहे थे मैं उनका दास हूँ, वो राजा हैं, वो कहीं विवाह कर सकते हैं। उन्हें फिर बातें बनाकर आपके पास भेज दिया, आप विवाह कर लो ना। आप हमारे पास विवाह कराने के लिए आई हैं, परंतु हम आपको बता चुके हैं क्या कि हमारा विवाह हो चुका है। विवाह कर लो ना। अवध सिखाए वनवासी भेष में, पालन में करता पिता का आदेश में, परिचय पवित्रता का दिया ही नहीं। करना था जैसा कर्म तुझको, करना था जैसा कर्म तुझको, देवी जी तुमने किया कि नहीं। करना था जैसा कर्म तुझको। श्री जय हिंद भैया पंचर बालों की ओर से ये 21 मुद्राएं श्री राम जी और सुंदरी जी के लिए। और पुनः सीता हमारी हमको प्राणों से प्यारी,
पालन करता पिता का देश में परिचय पिता का दिया कि नहीं करना था जैसा कर्म तुझको करना था जैसा कर्म तुझको ये भी जी तुमने किया करना था जैसा कर्म तुझको ये भी जी तुमने किया ये भी जी तुमने किया कि नहीं हे देवी। हाँ बिनवासी जी, हम यह चाहते हैं क्या आप पुनः लक्ष्मण के पास जाएं। अब वो विवाह कर लेंगे, इस बार अवश्य आपसे विवाह कर लेगा। सच बताओ, उस बार शायद लगा था शायद विवाह कर ले। हाँ। लेकिन इस बार हुआ, थोड़ा जल्दी करो चूंकि मुहूर्त निकलना जा रहा है। इस बार हम कह रहे हैं कि वो अवश्य विवाह कर लेगा आपसे। ठीक है, तो आपकी बात मान लेती हूँ, फिर से उनके पास जाती हूँ। और आप हैं पुनः जय हिंद भैया पंचर बालू। बनवासी जी विवाह कर लो, मेरी जवानी फड़फड़ा रही है। हे देवी, आप पुनः हमारे पास आ गई। हाँ। किस लिए? विवाह के लिए। बड़ी बेशरम हो, हट जा मेरे सामने से। अरे हमने जीवन प्रथम बार ऐसी निलज देखी लड़की है दिवस आज का बड़ा शुद्ध जो सन्मुख आई ऐसी लड़की। अरे कुल कलंकनी पिशाचनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा तो फिर जा कह दे अपने संरक्षक से, कर देगा ठाउर कहीं तेरा विवाह का भी भूल करना ना, चली जा यहां से। तब खिसियानी राम पहां गई, मतलब लक्ष्मण जी ने वाक्य कहे लेकिन क्रोध राम जी पर गया और इसीलिए राम जी के पास में पहुंच गई खिसिया करके। तुमने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ, वहां चली जा वहां विवाह हो जाएगा। उनने फिर यहां भेज दिया कि विवाह हो जाएगा। तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, मर जाना चाहिए। तुमने मेरा अभी असली रूप नहीं देखा है, दिखा दे अब। चल मेरी माया। रूप भयंकर प्रकटत भई, अपने वास्तविक रूप में आ गई सूपनखा। आप लोग अस्त्र तो देखें, अस्त्र शस्त्र।